हेलो फ्रेंड, यूजीसी नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल में आज का वीडियो जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी में वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस विज्ञप्ति में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो पद हैं उसमें सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये आवेदन शुल्क हैं। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए 590 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। इसी तरह नॉन टीचिंग में सीरियल नंबर 3 और 7 के लिए अप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 590 रुपये हैं। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 295 रुपये आवेदन शुल्क हैं। यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी में आते हैं और पंजाब से बाहर के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है, जनरल कैटेगरी का शुल्क लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक UGC नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो बनाता रहता हूं जिसकी जानकारी आपको पहले मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यह सूचना सबके पास पहुँच जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 28/4/2021 है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 मई 2021 है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट 25 मई 2021 है। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसको रजिस्ट्रार जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब में 25 मई 2021 से पहले आपको सेंड करनी है, यानी लास्ट डेट 25 मई 2021 है। इस विज्ञप्ति में जो डिटेल पद टीचिंग स्टाफ के लिए है, इसमें प्रोफेसर के लिए 2 पद है, जिसमें कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए 1 पद है और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पद है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर साइंस में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल पद 5 है। पंजाबी के लिए 1 पद है। हिस्ट्री के लिए 1 पद है। पॉलिटिकल साइंस के लिए कुल 1 पद है। इकोनॉमिक्स में AC कैटेगरी के लिए 1 पद हैं। सिख स्टडी में AC कैटेगरी के लिए 1 पद हैं। इस तरह से कुल पद 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। हम नॉन टीचिंग पद की बात करते हैं कि नॉन टीचिंग में कौन कौन से पद हैं। तो डिटेल ऑफ नॉन टीचिंग पद में फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए 1 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पद है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 1 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और ड्राइवर के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा यह जो पद है, यानी डेज अपॉइंटमेंट आर कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर फॉर द पीरियड ऑफ 1 साल, यानी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यह पद है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह सूचना सबके पास पहुँच जाए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या मैनेजमेंट या MBA होनी चाहिए। साथ ही
क्वालिफाइड सी ए या सी एस या आई सी डब्ल्यू ए होना चाहिए। इसके अलावा 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो डिटेल आप देख सकते हैं। हम क्वालिफिकेशन में लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है इसकी बात करते हैं, तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन विद 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा 13 साल का एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन से होना चाहिए, या 18 साल का एक्सपीरियंस कॉलेज लाइब्रेरियन से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा इनोवेशन से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मतलब एकेडमिक जो रिकॉर्ड है यूजीसी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए, यूजीसी जो रूल्स है 2010 का उसके अनुसार होनी चाहिए। डिजाइबर की बात करें तो एमफिल या पीएचडी डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप डिजाइबर हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ी एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या प्रोसेस एट 120 हावर्स कोर्स विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी अप्लीकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन दिया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एमसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी होनी चाहिए, और इसके अलावा एक्सपीरियंस 1 ईयर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में एमए पंजाबी या रीजनल स्टडी से संबंधित होनी चाहिए, और ड्राइवर के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन के लिए एक नोट दिया है, जो वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक है www.psou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट लेकर संबंधित डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करके द रजिस्ट्रार जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी C28 द लोअर माल पंजाब 14701 पंजाब में आपको सेंड करनी है। इस डॉक्यूमेंट को 25 मई 2015 से सेंड करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल एप्लीकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको बता दिया हूँ, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल टीचिंग पद आरएस पर यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी एपीआई एकेडमिक रिकॉर्ड है इन सब की रिक्वायर है, जो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड, अभी तक यूजीसी नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तक अपडेट और नई वीडियो बनाता रहता हूँ जिसकी जानकारी आपको पहले मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह सूचना सबके पास पहुँच जाए। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य इस सूचना को सबके पास